तो गाइस अगर आपकी घर की जो स्टोरेज वाटर स्टोरेज टैंकी है अगर उसमें वाटर की लीकेज हो जाए तो आप इसको किस तरह से रिपेयर कर सकते हैं। तो अभी इसके जो यूनियन है यूनियन वॉल्स हैं हम इनको खोलते हैं और इसको हम खाली करते हैं। इसमें पानी अभी फुल है, जैसे मैं इसको खाली कर लूँगा वो जो लीकेज है मैं उसे ट्रेस करूँगा। ट्रेस करने के बाद मैं उसे जॉइंट लगाने की कोशिश करूँगा और मैं आपको बताऊँगा किस तरह से हम जॉइंट लगा सकते हैं। वैसे तो अभी मुझे पता लग गया है किस तरफ से लीकेज हो रही है, आप ये देख लें। तो इसके लिए मेरे पास एक सोल्डरिंग आयरन है और कुछ मैंने आपको ऐसे दिखाए थे और जो जगह जिस जगह पर फॉल्ट था वो भी हमें ट्रेस हो गया और यहाँ से पानी की लीकेज होती थी। तो अब हम क्या करेंगे, वो जो हमारे एस हैं वो हम यहाँ लगा देंगे और ये जो सोल्डरिंग आयरन है इससे हम थोड़ी हीट जनरेट करेंगे ताकि ये देखें मेल्ट हुआ और ये जुड़ जाएगा इस तरह। अभी हमारा जो सोल्डरिंग आयरन है गर्म हो ही गया है और इसको हम प्लायर से पकड़ के इसके ऊपर हम इसको हीट देंगे और ये जो स्टील वायर है ये इसके अंदर चले जाएगी और मजबूती से इसको जकड़ लेगी। ये फाइनली मेरा जो जॉइंट है वो कंप्लीट हो गया और प्रॉपर तरीके से लग गया है और अब इसकी लाइफ जो है मैक्सिमम 1 साल 2 साल निकाल देगी अब मेरी जो वाटर टैंक है। तो आप देख रहे हैं कि अभी इस वक्त मेरा वर्क कंप्लीट हो गया और अब मैं इसे दोबारा उसी जगह पर इंस्टॉल कर दूंगा जिस जगह से मैंने खोला है, लेकिन उससे पहले मैं इसको कुछ टाइम दूंगा, घंटा डेढ़ घंटा दूंगा ताकि ये प्रॉपर तरीके से ड्राई हो जाए। ये जो मैंने डिपॉक्सी लगाई है ए स्टील ए और स्टील बी को मिक्स करके, और इससे पहले जो मैंने स्टील की वायर्स को सोल्डरिंग आयरन के थ्रू मैंने इसके अंदर लगाया था और मैं अब इसको कुछ टाइम दूंगा ताकि प्रॉपर तरीके से ड्राई हो जाए। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट कर दें और अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी है, और अगर आपका कोई भी किस्म का भी कोई प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं और मैं आपको गाइड कर सकता हूँ आपको क्या करना चाहिए। अल्लाह हाफिज़।